وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے فرید فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہم اور آپ الرحمین کی بارگاہ میں جمع دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل شرف عبودیت عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے بارے میں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور جمعہ کی نماز کی حاضری یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے اور باعث مغفرت ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد میں نماز جمعہ کی ادائی کے غرض سے حاضر ہونا اللہ کو پسند آئے, ہماری مغفرت فرما دے. حضرین کرام, جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرشتے کاغذ قلم لے کر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے جیسے لوگ آنے شروع ہوتے ہیں ان کے نام لکھتے جاتے ہیں. جو شروع میں آتے ہیں ان کو زیادہ ثواب والی فہرست میں لکھا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ان کو ملتا ہے جو ادا کے بعد سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کو پھر ثواب کم ہو جاتا ہے. اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آنے والے ایک بکری قربان کرنے کا ثواب پاتے ہیں, پھر بعد آنے والے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب پاتے ہیں, پھر آنے والے آخر میں اللہ کی راہ میں انڈا قربان کرنے کا ثواب پاتے ہیں. جیسے ہی خطیب صاحب عربی خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے, وہ فرشتے بھی وہاں سے نکل کر مسجد میں آ کر لوگوں کی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول
अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया, हमें नजर नहीं आता तो हमें मानना इसलिए है कि हमें जिस रसूल ने खबर दी है उस रसूल को हर चीज नजर आती है। वो जो भी बोलते हैं देख कर बोलते हैं। जुमा की नमाज के लिए आने वाले बड़े खुशनसीब हैं कि वो अजहर की आवाज पर लब्बैक कहकर मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। और सरदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा मेरे उम्मत के गरीबों का हज है। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। बड़े फजाइल हैं जुमा के दिन के। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सूरह कहफ जुमा के दिन नमाज के बाद पढ़े, बड़ी फजीलत है सूरह कहफ पढ़ने की। अल्लाह तबारक व तआला इसमें खुशहाली देता है, उम्र में बरकत देता है और फिर मसाइब और मुश्किलात से महफूज रखता है। जुमा के दिन दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने के अहकाम है। जुमा के दिन दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, यूं तो हर दिन पढ़ो लेकिन जुमा के दिन दरूद सलाम कसरत से पढ़ना ये बड़े फजाइल की बात है, बड़ी फजीलतों की बात है। और जुमा का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन माँ बाप की खबरों की जियारत के लिए जाने का बयान है। माँ बाप की खबरों की जियारत के लिए जाओ। कुबूर की जियारत से होता क्या है, इबरत मिलती है। कुबूर की जियारत करने से, खबरों की जियारत करने से हमारे दिल में आखिरत की याद ताजा हो जाती है। ये हमसे पहले जा चुके हैं और एक दिन हमको भी जाना है जी। कब्रस्तान से गुजरते हुए एक शख्स ने कहा कि भाई कब्र वालों, तुम बड़े आराम से सो रहे हो, तुम बड़े आराम से बड़े मस्त हो और बड़े आराम में हो। तो एक कब्र से आवाज आई, है बंदे खुदा हम आराम में नहीं है, आराम में तो तू है और हम दुनिया में जो आराम और आसाइश की जिंदगी गुजार के आए हैं उसकी यहां हम सजा पा रहे हैं। तू आराम में है, एक दिन वो था कि हम भी आराम में, आज तू आराम में है, आज हम उस आराम की सजा पा रहे हैं। और इसमें इशारा था कि कल तू तेरे आराम की सजा पाएगा। एक हिदायत में आया कि एक बादशाह की कनीज थी और वो महल में झाड़ू दे रही थी। झाड़ू देते देते जब बादशाह के कमरे में झाड़ू देने लगी, बहुत थकी मानती थी, उस थकान की वजह से बादशाह के बिस्तर पे सोचा एक दो लम्हे मैं लेट जाऊं और फिर उठकर अपना काम कर लूं। बे इजाजत उसने ये काम किया था, बादशाह के बिस्तर पे लेटना बगैर इजाजत के जुर्म होता है, मगर नींद का ऐसा गलबा था एक दो लम्हे के लिए लेटने को जी चाहा और वो बादशाह के बिस्तर पे लेट गई। एक दो लम्हे लेटी थी, उधर से बादशाह आ गया और देख लिया कि मेरे बिस्तर पर कनीज लेटी है, ये तो बहुत ही हमारे शान के खिलाफ है, लिहाजा हुक्म जारी कर दिया कि इसको कोड़े मारे जाए क्योंकि इसने चंद लम्हे सही लेकिन बे इजाजत हमारे बिस्तर पर लेटी है, मारो कोड़े इसको। तो फिर कोड़े मारे गए और वो कनीज की एक कोड़े खाकर बजाय रोने के हंस रही थी।
जैसे जैसे कोड़े पड़ते जाते वैसे वैसे वो हंस रही थी। बादशाह ने जल्लाद से कहा कि थोड़ा रुको, हम इससे पूछें कि आखिर ये हंस क्यों रही है, हालांकि कोड़ा खाकर तो लोग जार फकार होते हैं बेतहाशा, और इसका मार बड़ा सख्त होता है, और ये हंस रही है क्या बात, क्यों हंस रही है। गणेश ने कहा, चंद दमे में सोई तो इतनी सजा मुझे मिल रही है, आप तो जिंदगी भर सो रहे हैं, आपको कितनी सजा मिलेगी, मैं ये सोचकर हंस रही हूं कि चंद दमे सोने पर इतनी सजा है, आप तो जिंदगी भर सो रहे हैं, आपको अल्लाह के पास कितनी सजा मिलेगी। जी नर्म गर्म बिस्तर मना नहीं है, मगर नर्म गर्म बिस्तर पर सोकर शरीयत के उसूलों को अहकाम खुदाबंदी को भूल जाना ये गुनाहों का सबब बन जाता है, ये बड़ा गुनाह हो जाता है, इसकी सजा मिलती है। हाजिर मुहतरम, दुनिया में हम सोने के लिए नहीं आए, दुनिया में आराम और आसाइश के लिए नहीं आए। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हम इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आए, हम इस दुनिया में अल्लाह की मारिफत के लिए आए, हम इस दुनिया में आए इसलिए हैं कि ये दुनिया हमारे लिए मजरातुल आखिरा बनाया गया, ये आखिरत की खेती बनाई गई, यहां रहकर हम अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए और आखिरत को अपनी बेहतर बनाने के लिए आए, यहां पर नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ने अपने उजरे में आराम से अपने नरम और गर्म बिस्तर पर लेटे हुए थे, अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया, कौन? जवाब आया कि मैं बंदा हूं, क्या कर रहे हो? कहा, मैं आपकी छत पर मेरा ऊंट तलाश कर रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया है, मैं अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूं, मैं ऊंट तलाश कर रहा हूं मेरा। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह है जो भी तरीकत के मैदान में अभी बामे उरूज पर उनका नाम नहीं पहुंचा था, अभी इब्तदाई दौर था, तो आपने फरमाया, ऐ नादान, ऊंट कहीं सड़कों पर मिलता है? ऊंट को कोई मकान की छतों पर तलाश करता है? ये भी कोई फायदा है? ताज्जुब है तुझ पर? तो ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम, जब ऊंट घरों की छतों पे नहीं मिल सकता तो फिर अल्लाह की गुर्बत भी नरम और गर्म बिस्तर पे नहीं मिल सकती। आप अल्लाह की गुर्बत भी चाहते हैं और फिर आराम और आसाइश की जिंदगी भी चाहते हैं, आपको कैसे अल्लाह की गुर्बत मिलेगी आराम की जिंदगी में? आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, जैसे मुझे आपकी छत पे मेरा ऊंट नहीं मिलता वैसे ही आपकी आराम दे बिस्तर पर खुदा नहीं मिलता। आपने अपनी आराम और आसाइश की जिंदगी छोड़ी और फिर राह खुदा में निकल गए। हाजिर मुहतरम, इंसान इस दुनिया में अपनी आखिरत को बेहतर बनाने आया है, इंसान इस दुनिया में आराम और आसाइश से जिंदगी गुजारने खूब खाकर खूब सोने के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी आखिरत दुरुस्त करने, अल्लाह की इबादत करने और अल्लाह की मारिफत के लिए आया है। इसके लिए खिल्लते ताम चाहिए, कम खाएं, खिल्लते कलाम चाहिए, कम बोले, खिल्लते मनाम चाहिए, कम सोए।
आप अगर सोते पड़े रहेंगे आपको अल्लाह की कुर्बत नहीं मिल सकती। आप खाते रहेंगे, खाने के शौकीन रहेंगे और खाने के ही पीछे अपनी जिंदगी गुजार देंगे। आज ये खा रहे, कल वो खाएंगे, परसों वो खाएंगे, बस खाने का ही प्लान बनाते रहे और खाते रहे, खाने में अपनी जिंदगी गुजार दी। आपको फुर्सत ही नहीं मिली खाने से, अल्लाह की कुर्बत कब पाओगे? ऐसे ही बर 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 करते रहोगे, ये वो फजूल बातें करते रहोगे, अल्लाह की कुर्बत नहीं मिलती। कम बोलना, कम सोना, कम खाना, ये अल्लाह की तरफ जाने का जरिया है। ये अल्लाह के तरीके है। अहलुल्लाह जितने भी गुजरे हैं उनका सबका यही तरीका है कार रहा कि वो कम खाया करते थे, कम बोला करते थे और कम सोया करते थे। कहीं जाकर बंदा अल्लाह की तरफ मायल होता है और अल्लाह की कुर्बतों से मालामाल होता है। हाजिर मोहतरम, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए तज़किया नफ्स चाहिए, तस्बीह खल्क चाहिए, तजल्ली रूह चाहिए और ये सारे काम उस वक्त होते हैं जब हम सबसे पहले शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा होता है। बुजुर्गान मोहतरम, हमने आयत मुबारक का पढ़ी है, उसका तर्जुमा है ईमान पालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, दाखिल हो जाओ इस सिल्म में, इस्लाम में काफा पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐसा मत करो कुछ चीजों को मान रहे हैं, कुछ चीजों का इनकार कर रहे हैं। एक चीज का भी इनकार करना नहीं है, हर बात को इस्लाम की मानना है, मानना है, मानना है, इनकार किसी बात का नहीं करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर ये दुनिया की दूसरी कौमें मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेगी, ऐसे टूट पड़ेगी, गालिब हो जाएगी और मेरी उम्मत कमजोर पड़ जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे प्यासे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, ऐसे टूट पड़ेंगे मेरी उम्मत पर लोग। ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त उम्मत मुहम्मदिया तादाद में कम होगी जो दूसरे कौम है उस पर टूट पड़ेगी? आकाम ने फरमाया, नहीं, तादाद में तो बहुत होंगे मगर उनके दिल में दुनियादारी बच जाएगी, उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और दुनिया की मोहब्बत में वो दीन से दूर हो जाएंगे, रूहानी तौर पर कमजोर पड़ जाएंगे और दूसरी कौमें इस उम्मत पर टूट पड़ेंगी। क्यों टूट पड़ रही है? दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई तो दिल अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत करने के लिए नहीं दिया। अल्लाह ने दिल दिया तो क्यों दिया, ये समझने की जरूरत है। भाई हाथ दिया है, सर की आंखें हैं, क्यों दिया है? देखने के लिए। कान दिया है सुनने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए, हाथ दिया पकड़ने के लिए, पैर दिया चलने के लिए, दिल क्यों दिया? और दिल क्या समझते हैं हम दिल किसको समझते हैं? हम तो दिल उसी गोश्त के लोथड़े को समझते हैं ना जो हमारे सीने में धड़क रहा है। जब इंसान का सीना चीरा जाता है उसके अंदर एक गोश्त का लोथड़ा मिलता है जो धड़कता है,
उसी को हम दिल समझते हैं, उसी को दिल कहते हैं। नहीं, वो दिल नहीं है, वो तो गोश का लुत्का है। उसको अरबी में मुस्गह बोलते हैं, मुस्गह। और अरबी में दिल को क्या बोलते हैं? खल्ब। खल्ब कहते हैं दिल। ये जो गोश का लुत्का है इसको दिल नहीं बोलते, इसको खल्ब नहीं बोलते। ये तो गोश का लुत्का है, इसके अंदर खल्ब है, इसके अंदर दिल है, वो दिखाई नहीं देता। अगर दिल को चीर भी दे तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो न दिखाई देने वाली दौलत अल्लाह ने उस लोथड़े के अंदर रख दी। कान का काम देखना, जुबान का काम बोलना, कान का काम सुनना, हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, ये हर एक अजू का एक काम है। तो अल्लाह ने दिल दिया है, वो दिल जो लोथड़े के अंदर रहता है वो किस काम के लिए दिया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, वो दिल जो अल्लाह ने दिया है लोथड़े के अंदर वाला, वो हक का मुशाहिदा करने के लिए दिया। इंसान जीते जी इस लायक हो जाए कि उस दिल को काम में लाने वाला हो जाए। दिल का काम क्या है? जैसे कि आंख खुदा की खुदरत देखती है, वैसे ही दिल जो अल्लाह ने दिया है उसका काम क्या है? आपका मुशाहिदा। आम लफ्जों में अर्ज करो, ये जो हमारी आंख है ये देखने का आला है, ऐसे ही दिल जो है वो भी देखने का आला है, इंस्ट्रूमेंट है। सर की आंख से खुदा की खुदरत देखी जाती है, दिल की आंख से खुदा को देखा जाता है। खुदा को देखने के लिए दिल की आंख दिया है अल्लाह ने। दिल की आंख से हक का मुशाहिदा करो, जीते जी करो। हदीस शरीफ में आया, जो यहां पे अगर नहीं देखा, यहां का अंधा बन के रहा, तो फिर दुनिया का अंधा आखिरत का भी अंधा। यहां अगर नहीं देखा तो वहां भी नहीं देखेगा। हम अंधा किसको बोलते हैं? जो सर की आंखें बंद रखता है उसको सर की आंखों से नजर नहीं आता, हम बोलते हैं अंधा। अल्लाह के नजदीक अंधा कौन है? दिल का अंधा अल्लाह के नजदीक अंधा है। सर की आंखों का अंधा बुरा नहीं, दिल की आंख का अंधा बुरा। हमारे पास का कानून अलग है, अल्लाह के पास का कानून फायदा अलग है। हम जिंदा किसको बोलते हैं? उसको जो सांस लेता है। सांस ले तो हम बोलते हैं जिंदा, सांस ना ले हम बोलते हैं मुर्दा हो गया। अल्लाह के पास जिंदगी और मौत का ये तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नजदीक जिंदगी और मौत का ये माना नहीं है। अल्लाह के नजदीक जिंदगी और मौत का माना क्या है? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कुरान पाक में, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। जिंदा है जो मेरे बंदे हैं, मेरी मोहब्बत में खत्म हो गए, उनको मुर्दा मत बोलो। बल अहयाउन, वो जिंदा है। बला किल्ला तशुरून, वो कैसे जिंदा है, उनकी जिंदगी क्या है तुम समझ नहीं सकते, मगर जिंदा है, उनको मुर्दा मत बोलो। मुर्दा बोलने से मना कर दिया। और एक जगह फरमाया अल्लाह ने, वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, जो मेरी मोहब्बत में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा समझो भी मत। मुर्दा तो दूर की बात है, समझो भी मत। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है।
उनको अल्लाह के पास रिस्क भी मिलता है। तो अल्लाह जिंदा किसको बोल रहा है? हम जिंदा किसको बोलते हैं? जो सांस लेता है। और अल्लाह जिंदा किसको बोल रहा है? जो सांस नहीं ले रहा है। जिनकी सांसों की डोर रुक गई, खत्म हो गई, जिनकी सांसें बंद हो गई, अल्लाह उनको जिंदा बोल रहा है। और हम जिंदा उसको बोलते हैं जो सांस लेता है। माना हमारे पास कुछ है, अल्लाह के नजदीक कुछ है। ऐसे ही हम ऐसे बंदे को सुनने वाला बोलते हैं जो हमारी बात सुने। हम कुछ बोलते हैं वो सुन ले, हम बोलते हैं ये सुनने वाला, ये मेरा नहीं है, सुनने वाला। अल्लाह के नजदीक सुनने वाला कौन है? अल्लाह के नजदीक बहरा कौन है? पुराने पाक में मशहूर आयत है, सुम्मुम बुक्मन उम्युन कौम ला यर्जिऊन। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया जो कानों से सुनते भी थे, आंखों से देखते भी थे, जुबान से बोलते भी थे। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। हालांकि वो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, मगर अल्लाह उनको बहरे, गूंगे, अंधे फरमाए, जबकि हम उनको देखने वाला बोल रहे हैं, सुनने वाला बोल रहे हैं, जी बोलने वाला बोल रहे हैं। अबू जहल मुर्दे हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। अरे हम जिसको जिंदा समझ रहे हैं, अल्लाह उनको मुर्दा बोल रहा है। हम जिसको मुर्दा समझ रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदा बोल रहा है। आखिर मतलब क्या है? हमारे पास वो बंदा जिंदा है जो सांस लेता है, और वो बंदा मुर्दा है जो सांस नहीं लेता। अल्लाह के पास वो बंदा जिंदा है जिसका दिल जिंदा है। वहां सांसें नहीं देखी जाती, वहां दिल देखा जाता है। दिल जिंदा है तो मर कर भी जिंदा, दिल मुर्दा है तो सांस लेकर भी मुर्दा। तो कहा एक आशिक ने इस मौके पर, हयात नाम नहीं सिर्फ सांस लेने का, हयात नाम नहीं सिर्फ सांस लेने का, नबी के इश्क में मरना ही जिंदगानी है। सांस लेना जिंदगानी नहीं है, नबी पर मर मिटना जिंदगानी है, खुदा पर मर मिटना जिंदगानी है, दीन पर मर मिटना जिंदगानी है। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, जहां तक हमारी अकल साथ देती है वहां तक मानो इस्लाम को, और जहां से हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, हमारी अकल नहीं मानती, वहां से इनकार कर दो और बोलो कि भाई हम ये नहीं मानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई इस्लाम की बात समझ में आती है तब भी आपको मानना पड़ेगा। आपको अगर इस्लाम की कोई बात समझ में नहीं आती है तब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ के बंदे नहीं है, आप अपनी अकल के बंदे नहीं है, आप अपनी फहम के बंदे नहीं है, आप अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह की कोई बात समझ में न भी आए तो बंदे पर फर्ज है कि वो मान जाए, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा। यह है इस्लाम, पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर दुनिया की मोहब्बत पूरा दाखिल होने नहीं देती, एक आम आदमी को भी दाखिल होने नहीं देती, एक अहले इल्म को भी दाखिल होने नहीं देती, एक इबादत गुजार को भी पूरा दाखिल होने नहीं देती। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह के बंदों को अपनी तरफ खींचती है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। अल्लाह की तरफ जाने नहीं देती दुनिया की मोहब्बत,
तो दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालना, अल्लाह की मोहब्बत को भरना, इतना भरना इतना भरना इतना भरना, जिधर नजर पड़े उधर हक नजर आए, हक का जलवा नजर आए। कुरान पाक में आता है, भाई नमा तुबर दू कसम अल्लाह, तुम जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह है। क्या हमें नजर आता है? नहीं, मगर आएगा कब? जब हम अपने दिल को उस लायक बना ले, तो फिर जिधर नजर डालो उधर अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देगा, उधर उसी का जलवा दिखाई देगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का करम है, आज 30 साल से मेरी ये कैफियत है, मैं जिधर देखता हूं अल्लाह ही अल्लाह नजर। हमें चाहिए कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए, जहां हमारी मर्जी आए हमने मान लिया, और जहां हमारी मर्जी नहीं मानती नहीं मानते चलो नहीं करते। टोपी पहनना दिल नहीं बोल रहा, टोपी सर पे बदन हो रही, दिल बोल रहा, मर्जी बोल रही हमारी, टोपी नहीं पहनते चलो नहीं पहनते। सरकार की सुन्नत है पहन, जहां सुन्नत हटी वहां पे लानत आती, जहां सुन्नत है वहां रहमत है, जहां सुन्नत नहीं है हट गई सुन्नत लानत आए। भाई हमारी मर्जी हम तो भी नहीं पहनते, भाई तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम कुछ भी नहीं है, तुम ये देखो कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है। बगैर टोपी हो जाती ना, अरे बगैर शर्ट के भी हो जाती, चलो खाली पैंट पे आ जाओ नमाज के लिए, बगैर शर्ट के बगैर बनियान के भी हो जाती नमाज। तो क्या पैंट पे नमाज हो जाती अगर मसला मालूम हो गया तो शर्ट और बनियान को उतार के आए क्या? अरे नहीं, ऐसा कैसा आते, जब वैसा नहीं आते तो बगैर टोपी भी नहीं आना। टोपी सुन्नत है अल्लाह के रसूल, अरे होना तो ये चाहिए कि टोपी पर इमामा भी बात कराए, टोपी पर इमामा भी बांधे, बगैर इमामे के एक नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब, इमामा बांध कर नमाज पढ़ो 40 नमाजों का सवाब। मामा गया टोपी भी गई, क्यों नहीं पहनते? बस हमारी मर्जी, मर्जी नहीं देखना है। अपनी मर्जी को नबी के पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर कुर्बान करते। एक मामूली एक छोटी सी मिसाल दिया मैं टोपी की, ऐसी कई बातें हमारे सामने आती है कि हमारी मर्जी कुछ बोलती है, इस्लाम कुछ बोलता है, तो अपनी मर्जी को हटा दे, इस्लाम के आगे अपना सर तस्लीम खम कर ले, इसी का नाम है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाना। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इस्लाम में पूरा दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। एक नाम आया है अतीबा, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर का बना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल